हल्द्वानी में आवारा जानवरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। आए दिन आवारा जानवरों की चपेट में आकर लोगों को जान से हाथ धोना पड़ रहा है। लगातार हो रही दुर्घटनाओं के बावजूद भी प्रशासन लोगों को आवारा जानवरों के आतंक से निजात नहीं दिला पा रहा। कुमाऊं के प्रवेश द्वार हल्द्वानी में आवारा जानवरों के आतंक से न सिर्फ स्थानीय लोग परेशान हैं, बल्कि दूर दराज से आने वाले पर्यटक भी इस समस्या से दो चार हो रहे हैं। हालांकि इस मामले में जिलाधिकारी वंदना सिंह का कहना है कि उनके समक्ष भी यह समस्या आई है और वह जल्द ही आवारा जानवरों को सड़कों व सार्वजनिक स्थानों से हटाकर गौशालाओं या अन्य सामाजिक संस्थाओं द्वारा चलाई जा रही व्यवस्थाओं तक पहुंचाने का कार्य करेंगी। साथ ही सरकार के स्तर पर भी इसको लेकर एक योजना बनाई गई है जिसके तहत जल्द कार्य किया जाएगा। आवारा जानवरों के संबंध में अभी गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ निर्देश आए हैं जो विभिन्न निराश्रित पशुओं के लिए गौशालाएं बनाए जाने के संबंध में हैं। उसमें गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसी में संशोधन करके जो प्रतिदिन का भत्ता मिलता है संचालित और पंजीकृत गौशालाओं को, उसको बढ़ाया भी है। नए ऐसे जो निराश्रित पशुओं के लिए आश्रय के लिए स्थल हैं, गौशालाएँ हैं, उनको भी हम लोग चिन्हीकरण कर रहे हैं कि वो बनवाई जा सकती हैं। साथ ही जो विभिन्न NGOs ऑलरेडी चला रहे हैं उसमें कोई एक्सपेंशन करके उनकी यदि क्षमता में वृद्धि करी जा सकती है तो वो सोल्यूशन भी करवाने का प्रयास किया।